अगर रात को सोते समय आपको जितने स्वप्न कम चलेंगे, संकल्प कम चलेंगे, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, आज साइंस वाले भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है डीप स्लीप में सो जाओ, और जो डीप स्लीप में सोता है उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। जिसको स्वप्न चलते हैं, जिसको निगेटिव विचार चलते हैं स्वप्न में भी, तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और इसीलिए आज योग में नींद आती है। इसलिए बाबा के याद में सो जाना। सवेरे अमृत वाला तो बाबा आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है? कौन आता है? आलस। आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी हुई है। अमृत वाला आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ अभी सर्दी बहुत है, सो जाओ आपकी तबीयत खराब, बहुत मीठा बोलेगा। अगर आलस के साथ सवेरे दोस्ती की तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माया क्या करते है? रोज आपको मारने के लिए चक्रव्यूह बनाती है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? सभी महारथी पीछे बैठे थे, चक्रव्यूह बनाया था, और एक सैनिक को भेजा, उसको ललकारो, पीछे लेके जाओ, मारने का काम हम कर देंगे। तो क्या होता है, उस एक सैनिक ने उसको अभिमन्यु को ललकारा, अरे हे अभिमन्यु तुम महारथी हो तो मेरे साथ लड़। उसको लगता है अरे छोटा सा सैनिक मेरे को ललकार रहे हैं। उसका पीछा करते गया करते गया करते गया, अर्जुन से दूर लेके गया, और वहां चक्रव्यूह बनाया था, और सभी ने मिलकर के ऐसी बेमौत मारा अभिमन्यु को। ये संगम युग के यादगार है। संगम युग में भी हमें क्या करता? आलस। काम करो सवेरे नहीं आएंगे, आलस आएगा, सुलाएगा, तीन चार दिन तक सुलाएगा, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा, बाबा से तो दूर हो गए, बाबा भी आपको कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे बेमौत मारेगा, सारी कमाई चट कर देगा। इसलिए रोज सवेरे उठते ही किसका खून करो? आलस का खून करो। कभी भी अलबेलापन होकर के नहीं बैठो योग में, अलर्ट होकर के बैठो। और जब अपना अपने अमृत वाला अच्छी की, आलस मर गया। जब आलस मर गया, माया की कोई भी सैनिक वहां नहीं आएगा। जिस समय अपने अमृत वाला योग अच्छा किया, काम भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, कोई विकार आपके पर वार नहीं करेंगे।